बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलने को अभिशप्त है। इस बार भी सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कम से कम आधा दर्जन जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन हो रहा है। बिहार पर एक बार फिर मॉनसून की शुरुआत में ही बाढ़ का मंजर कई जिलों में दिख रहा है। नेपाल से सटे जिलों में तबाही की तस्वीर हर चंद किलोमीटर के फासले पर दिख रही है। कई नदियां उफन रही हैं और लोग बेघर हो गए हैं। बेतिया में बाढ़ कहर बरपा रही है। गंडक के आसपास के तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। जिले का दियारा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को मचान बनाकर और झुपड़ियों के ऊपर रहना पड़ रहा है। लोग खाने के लिए भी तरस गए हैं। बेतिया जैसा ही हाल गोपालगंज का है, जहां गंडक के किनारों पर तबाही मची है। कई गाँव में पानी भरा है। बाढ़ ने लोगों को आशियाने से बेदखल कर दिया है। बाढ़ के पानी से गाँव घिरे हैं। अब तो लोग घर की ईंट तोड़कर उसे ले जाने को मजबूर हैं, ताकि किसी और सुरक्षित इलाके में घर बना पाएं। ये घर हम पानी से तोड़े हैं लोग, ठीक है। यहाँ से तोड़कर यहाँ से ईंटा उटा जो वगैरह हम यहाँ से लेके चले जाएंगे लोग, ठीक है। वहाँ घर अपना बनाएंगे लोग, हाँ। फिर यहाँ बहुत हर तरह की दिक्कत पानी से झेलना पड़ता है। जब ये पानी आता है पूरा घर द्वार में सब घुसता है, किसी का घर द्वार नहीं बाकी रखता है। और ये तस्वीरें हाजीपुर की हैं। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। घरों में लोग चारपाई पर बैठे हैं और पूरे घर में पानी भरा है। राशन का सामान तक पानी में डूब गया है। खाना पीना सब बाहर चिवड़ा लाके खाते हैं। पानी में जिंदा कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है? छोटा छोटा बच्चा को लेकर दिक्कत है। खाना बिहार की राजधानी पटना भी बाढ़ की जद में है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से पीपा पुल बंद हो गया है। दियारा के कई गांवों का संपर्क पटना से टूट चुका है। अब सिर्फ नाव ही सहारा है। लोगों को किस तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम ने पटना के नासरीगंज घाट का दौरा किया। नाव का सहारा है इस पार से उस पार जाने के लिए या फिर अपने घरों से इस तरफ आने के लिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में अब नाव का इस्तेमाल जो है वो यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। और पीपा पुल जो बंद हो गया है उसकी वजह से अब नाव पे ही जो है वो लोग मोटरसाइकिल हो या फिर चार चक्का वाहन हो, उसको उस पर बैठ के आना जाना किया जा रहा है। ये बेहद खतरनाक भी है, लेकिन आप लोग इसी तरीके से भी आना जाना करेंगे पानी भर गया है तो क्या करेंगे? यही हम लोग के साधन है। तो पीपा पुल क्या बंद हो गया है? हाँ, बंद हो गया। ये लगता नहीं बहुत रिस्की भी मामला है, इस तरीके से नाव पे आप लोग जो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। रिक्सी तो है, मजबूरी है। फिर भी कब तक, मतलब कितने महीने तक आप लोग इसी तरीके से आना जाना करेंगे? 4 महीना सर। नासरीगंज घाट पर पटना से दियारा इलाके को जोड़ने के लिए बड़ी निजी नावें चल रही हैं। नदी में नाव पर वाहनों को लाद कर ले जाना जोखिम भरा है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं। बहगा में गंडक नदी का जलस्तर तो कम हो गया, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई। नदी के प्रवाह का दबाव बनाने से कटाव हो गया। किनारे पर रहने वाले ग्रामीण काफी भयभीत हैं। कई इलाकों को अब तक बाढ़ से बचने के लिए सरकारी मदद का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।